अच्छे से भूनने के बाद देखते हैं। ये हमने इधर ये भी गरम कर दिया नूडल्स। तो गाइस अब ये भून चुका है अच्छे से पूरा। अब हम इसके अंदर नूडल्स डाल रहे हैं। ये डल गई हमारी नूडल्स। तो गाइस जब तक ये बनेगा तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस अब ये पूरे जब बनेगा तब हम आपको मिलते हैं। तो चलते हैं। तो गाइस हम डाल रहे हैं विनीगर, फिर हम डाल रहे हैं सोया सॉस। तो गाइस हम लोग ये बन रही है, थोड़ा थोड़ा कच्चा रह गया बस। अब ये पूरा जब बनेगी तब देखते हैं कैसे बनेगी। तो ये हो रही है तैयार। तो इसमें हमने डाल दिया है रेड चिली और नमक। तो हमने डाल दिया अजीनोमोटो थोड़ी सी। तो ये गाइस ये बन के रेडी हो गया है। तो हम प्लेट में सर्व करते हैं। अब हमारी ये जो ये थी हक्का नूडल्स वो तैयार हो गई है। इस पर हमने सॉस भी डाल दिया है। बहुत ही डिलीशियस लग रही है, बहुत डिलीशियस। तो कमेंट्स भी लिखेगा कैसी बनी होगी, तो आप टेस्ट करना चाहेंगे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस आप अपने घर में बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। तो जब तक के लिए बाय।